तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि कई लोगों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम ये है कि उनकी अभी जो आईडी है आधार कार्ड की, अभी 18 प्लस नहीं हुई है। और कई लोग का 18 प्लस हो गया है, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके पास पैन कार्ड नहीं है, एटीएम कार्ड नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे तरीके हैं, मैं आप लोग को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के कुछ तरीके बताऊँ, इससे आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीका यही है कि आप लोग या तो एयरटेल बैंक से कनेक्ट हो जाएं, या तो दूसरा तरीका ये है इंडियन पोस्ट पेमेंट, जो कि ऐसा कुछ पासबुक आप लोग को प्रोवाइड करवा देता है, इससे आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे कि आप लोग को ये दिख रहा होगा कुछ एटीएम के, लेकिन एटीएम नहीं है ये, उसका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का पासबुक है। इससे आप कोई आप स्कैन करके, इस जो स्कैनर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसको स्कैन करके कोई भी बंदा आप लोगों पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे बनवाना है, कैसे ये बनता है, तो मैं जैसे कि IPPB बैंक जो ऐप है प्ले स्टोर पर, आप उसको डाउनलोड करके या तो आप उससे कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, या तो फिर आप लोग के एरिया में जो नेटवर्क, जो आसपास के जो पोस्ट ऑफिस होते होंगे, पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे आप जा करके बोलेंगे कि मुझे ऑनलाइन खाता खुलवाना है और मैं पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना चाहता हूँ, मुझे स्टूडेंट का खाता खुलवाना है। जैसे आप उनको ऐसा बोलेंगे तो वो लोग आपका एक ऐसा खाता खोल देंगे, इसमें केवल आपको आधार कार्ड देने की ज़रूरत है। आप उनको आधार कार्ड जैसे ही देंगे, वो लोग आपको आपका खाता खोल करके आप कुछ इस तरीके का दे देंगे कि देखिए ऐसा कुछ इस तरीके का आप लोग को पासबुक देंगे वो लोग, जैसे कि मेरा ये पासबुक बना हुआ है। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद आप लोग को तुरंत खाता खोल के दे देंगे। आपको बस इतना ही बोलना है कि मुझे ऑनलाइन खाता खुलवाना है और यहीं के ब्रांच से, मुझे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में मुझे खाता खुलवाना है। तो ऐसा करने पे वो लोग आपका खाता खोल देंगे और कुछ इस तरह का पासबुक आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब रही की ट्रांजेक्शन की बात, जो है ट्रांजेक्शन के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये दे दिया जाएगा, इस तरीके का कुछ कार्ड दे दिया जाएगा, जो कि ये भी एक पासबुक का ही पार्ट है, जो कि अगर आपके पास ये पेपर वाला पासबुक नहीं तो आप इससे काम चला सकते हैं, तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ हो तो आप काम कर सकते हैं। आपको केवल आधार कार्ड ले जाने की जरूरत है और किसी चीज़ की जरूरत वहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, IPPB बैंक एप्लीकेशन जो अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी। इसको मिलने के बाद यहाँ उसमें आपको आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जो आपके आधार कार्ड में रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जो फ़ोन नंबर आप दिए रहेंगे वहाँ पे खाता खुलवाते समय वो आपको प्रोवाइड वहाँ पे डालना पड़ेगा, प्रोवाइड करवाना पड़ेगा उस एप्लीकेशन में। और उसके बाद कस्टमर आईडी, फ्रेंड्स मेरे फिर कस्टमर आईडी ये है, मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी शो करवा दूंगा, अभी हाथ में दिखा रहा हूँ। ये देखिए कस्टमर आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, एक कस्टमर आईडी है, इसी कस्टमर आईडी से आपका सब कुछ होगा। और यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डाल देना होगा और रिमार्क में जो भी आप स्टूडेंट होंगे जो भी कुछ भी डालना पूछेगा आप सारा फिल कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करना है, IPPB बैंक एप्लीकेशन जो होगा मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन करके अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको अपना UPI पे कुछ सेट कर लेना, आपको एक डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी मैं अपना डेबिट कार्ड का जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे फ्लैश हो रहा है ऐसा ही आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से डेबिट कार्ड पे क्लिक करके अपना डेबिट कार्ड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना तो हो चुका है, अब आपको ट्रांजेक्शन कैसे करना है। जो आपका डेबिट कार्ड आपको मिलेगा वहाँ से आप अपने जो डेबिट कार्ड का पेटीएम या फ़ोनपे गूगल पे, जहाँ पे आपको डेबिट कार्ड मांगेगा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ही मांगता है, या तो पैन कार्ड नंबर मांगता है KYC करने के लिए, तो इतनी चीज़ों के लिए वो मांग करता है। तो आप लोग अपना डेबिट कार्ड भर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर मान लीजिए 18 के नीचे हैं तब तो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करवाएगा, या 18 के अगर आप ऊपर हैं तो आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, और अगर आप 18 के नीचे हैं तो आप ये जो IPPB बैंक वाला एप्लीकेशन है इससे आप लोग कहीं भी पे कर सकते हैं। पे का जो स्कैन एंड पे का ऑप्शन आएगा उस पर आप लोग पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही बस, क्योंकि ये सारी जानकारियाँ कई लोगों के पास नहीं थी और मैं चाहता था कि जो लोग भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि कई लोग गेम खेलते हैं कुछ भी ऐसा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं और विड्रॉल नहीं कर पाते, तो मैं उन्हीं के लिए सब लेकर के आया था। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बताता हूँ क्या कैसे आपको बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स आएंगे मैं उनको सॉल्व करवाऊँगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर डालो। फ्रेंड्स, अभी चैनल भी बहुत ज़्यादा बैक चल रहा है, सब कुछ मैं आपके लिए ट्रिक लेकर के आता रहता हूँ, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर डालो। फ्रेंड्स, तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।